आज हम क्रिस्पी क्रंची कैरामेल पॉपकॉर्न बना के तैयार करेंगे। पॉपकॉर्न बनाना आसान है और पॉपकॉर्न जो है उसका फ्लेवर बहुत सारा रहता है। ये पॉपकॉर्न की आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत बढ़िया से बना हुई है। और घर में जो हम इसको बनाते हैं, ये जो जितना भी आप पॉपकॉर्न देख रहे हो, बस आधा कप कॉर्न में मैं इसको बना के तैयार किया है। बनाने के लिए आसान, और एक बार अगर आप थोड़ा ज़्यादा बना लेते हो तो आप एयरटाइट कंटेनर में इसको 15 से 20 दिन तक आराम से रख के खा सकते हो। हाथों में अगर हम थोड़ा सा लेके इस तरीके से उसको चेक करेंगे तो पूरा चूरा बन जाता है ये पॉपकॉर्न, आप देख सकते हो। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए आधा कप कॉर्न ले लेंगे। ऐसा वाला सूखा कॉर्न मार्केट में आराम से मिलता है, कोई भी ग्रोसरी शॉप में आप लूज वाला वजन से ला सकते हो। और मीडियम साइज़ वाला मैंने लिया है, थोड़ा बड़ा साइज, छोटा साइज और मीडियम साइज, तीन प्रकार की जो कॉर्न आता है उसका जो बीच वाला साइज़ को मैंने लिया है। मैं सोच रही थी एक कप में बनाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा सा कढ़ाई मेरे पास नहीं है, इसलिए आधा कप में बनाएंगे पॉपकॉर्न को। एक कढ़ाई को मैंने यहाँ गर्म किया है, इसमें ले लेंगे 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर उसमें कॉर्न को डाल देंगे और कॉर्न को आधा मिनट तक तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें मैं नमक वगैरह नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको बटर पॉपकॉर्न बनाना है तो आप तेल के बदले बटर और थोड़ा सा नमक डाल के इस प्रोसेस में बटर पॉपकॉर्न भी बना सकते हो। हम लोग कैरामलाइज वाला बनाने वाले हैं पॉपकॉर्न, इसलिए इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। इसको थोड़ा सा बस इसी तरीके से चलाना है एक मिनट के लिए। जब ये जो कॉर्न उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फिर इसको हम कवर कर देंगे। चारों तरफ से साइज कर लिया मैंने कॉर्न को, और फ्लेम तो पहले से स्लो ही है। अभी हम कढ़ाई को कवर कर लेंगे। बस 1-1.5 मिनट के बाद पॉपकॉर्न बनना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो एक एक करके पॉपकॉर्न दिखने लगा है। इस टाइम ये जो कवर है इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, नहीं तो छिटक के सारा पॉपकॉर्न नीचे गिर जाएगा। और फ्लेम को भी हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, स्लो फ्लेम में ही इसको बनाएंगे। कॉर्न जब फूटना कम हो जाएगा फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसकी कवर को निकालेंगे। अभी आप देख सकते हो आधा कप जो कॉर्न मैंने डाला था उसमें एक कढ़ाई पूरा भर के पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गया। और इस तरीके से आप एक बार पॉपकॉर्न बनाने के बाद इसमें जो भी फ्लेवर डालो आपकी टेस्ट के हिसाब से, उसी फ्लेवर में पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाएगा। कढ़ाई से निकाल के पॉपकॉर्न को मैंने एक प्लेट में ले लिए, उसी कढ़ाई को मैंने फिर से गर्म कर लिया है। इसमें हम ले लेंगे शक्कर। शक्कर को कैरामेल करना है, इसलिए आधा कप जो कॉर्न मैंने लिया था उसके लिए ले रही हूँ 3/4 कप शक्कर, यानी एक कप से थोड़ा कम। अभी हम इसको गर्म करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा इसको चला देंगे। जैसे जैसे चीनी गर्म होता जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इस टाइम फ्लेम को हाई ना करें, नहीं तो शक्कर जल जाएगा। फिर जो पॉप बनाएंगे उसमें कोटिंग आने के बाद पॉपकॉर्न का टेस्ट बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा मिला देंगे और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे स्लो फ्लेम में। अभी शक्कर मेल्ट भी हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, फिर भी इसमें छोटा छोटा शक्कर की दाना अभी भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा इस तरीके से इसको मिला देंगे। स्पैचुला में जो लग गया है शक्कर उसको निकाल देंगे। शक्कर के साथ मिक्स करेंगे बटर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ले लेंगे नमक। पहले से इसमें मैंने नमक नहीं डाला था। सारे चीज़ को फटाफट हम मिक्स करेंगे और इस टाइम फ्लेम को स्लो रखेंगे। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको कंप्लीट होने तक फ्लेम को स्लो ही रखना है। अभी हम इसमें चुटकी भर खाने की सोडा डालेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दी है, नहीं तो ये जो कैरामलाइज शक्कर जल जाएगा। पॉपकॉर्न को इसमें डाल देंगे। डालते ही उसको हम जल्दी से चलाएंगे ताकि हर पॉपकॉर्न के ऊपर कैरामलाइज शुगर का एक कोटिंग आ जाए।
अच्छे से मिलाने के बाद एक प्लेट में इसको ले लेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है, नहीं तो पॉपकॉर्न जो है वो बिगड़ जाएगा। इस तरीके से स्पैचुला में उसको धीरे धीरे खुला कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 3-4 मिनट के लिए। अभी पॉपकॉर्न ठंडा हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इतना सारा कैरमलाइज पॉपकॉर्न हमने बना दी है, इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में हम रख के 15-20 दिन तक बच्चों को दे सकते हैं। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।